बरेलिया के थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया स्थित 15 वर्षों से बंद पड़े हिम्मत सिंह कोल्ड स्टोर में मंगलवार तड़के अचानक आग लग गई। सुबह करीब 6:30 बजे कोल्ड स्टोर के अंदर अचानक आवाज होने पर कोल्ड स्टोर के टीन शेड में सो रहे सिक्योरिटी गार्ड की पत्नी जागी। उसने पति को जगाया। दोनों ने देखा तो कोल्ड स्टोर के अंदर भीषण आग फैली हुई थी। दंपत्ति ने तत्काल नकटिया पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। लोगों ने बताया कि सूचना के करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। करीब 6 घंटे बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। 15 वर्षों से बंद पड़े कोल्ड स्टोर में विद्युत कनेक्शन नहीं था। फिर सवाल ये उठता है कि आग कैसे लगी। शहर के मॉडल टाउन निवासी विम्मी मदान पत्नी स्वर्गीय राजविंदर सिंह ने बताया कि वो कोल्ड स्टोर की सह पार्टनर है। उनका उनकी जेठानी दविंदर कौर पत्नी स्वर्गीय प्रीतपाल सिंह से कोल्ड स्टोर को लेकर करीब 15 वर्षों से विवाद चल रहा है, जो उच्च न्यायालय में अभी विचाराधीन है। मेरा नाम संजीव कुमार यादव है और मैं बरेली फायर स्टेशन ऑफिसर हूँ। आग लगने की सूचना आपको किस समय मिली थी? देखिए, एक्यूरेट टाइम तो देख के बताया जाएगा, लगभग 7:30 बजे के आसपास, 7:30 और 8 के बीच में आग की सूचना मिली थी हमको। किस समय कोल्ड स्टोर? बस आग सूचना के हार्डली 5-7 मिनट में हमारी गाड़ियाँ यहाँ पहुँच गई थी। लगभग 7:45 बजे से पहले पहुँच गई थी। कितने समय में आग पे काबू पाया गया? अब तब से लगातार लगे हुए हैं आग पे, तो लगभग पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया है। कुछ चूँकि अंदर जो चेंबर होते हैं लकड़ी के होते हैं और नीचे इनके भूसी बिछी रहती है इंसुलेशन के लिए, क्योंकि कोल्ड स्टोर में पहले इंसुलेशन के लिए भूसी बिछाते हैं फिर चेंबर बनाते हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत आग सुलग रही है जिसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।